सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था जेल में वक्त भी अपना मिजाज बदल लेता है। ख्याल और जज्बात की कमी के कारण समय थम जाता है और हाल और माजी का अंतर भी मिटने लगता है। माजी को जगाने के लिए हमें बीते कल को आज की जीती जागती जिंदगी की उन कड़ियों से जोड़ना पड़ता है जिनमें संघर्ष और मसाइल मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने हिंदुस्तान के अतीत की तस्वीरें रखूं, ये एहसास दिलाने के लिए कि किस तरह हमारा देश कदम ब कदम बदला है। कैसे इतिहास की नदी युग बदलती हुई सदा बहती चली आई है और भंवर और मझधार के बावजूद एक अनजान समंदर की तरफ लपकती हुई बढ़ रही है। भारत में दर्शन शास्त्र पुराण और महाकाव्य सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे विचारक सदा सृष्टि के निर्माण का रहस्य खोजते रहे हैं। दुनिया का मूल पदार्थ आदि जल माना जाता है। सृष्टि के निर्माण के बाद जीव जंतुओं के विकास का सिद्धांत हमें दशावतार के पहले 5 अवतारों में दिखाई पड़ता है। मत्स्य अवतार मछली का जो आदि जल से उत्पन्न हुई, कुर्म अवतार कछुए का जो जल और धरती दोनों पर रहता है, वराह अवतार जो वायु पुराण के अनुसार चुना ही इसलिए गया है कि उसे जल क्रीड़ा का शौक है, फिर नरसिंह, इसके बाद वामन अवतार जो शायद आदि मानव का प्रतीक है। उस समय के लोग घर या भवनों में नहीं गुफाओं में रहते थे। वो कंदमूल और शिकार के जानवरों का मांस खाते। ये आदि मानव तस्वीरें बनाना जानते थे। नुकीले पत्थर और लकड़ी के कूचे से वो गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाते। जंगली जानवरों के प्रति आदि मानव को भय और श्रद्धा दोनों रहे होंगे।
और शुरू में इनकी आराधना भी होती होगी। फिर भित्ति चित्रों में मनुष्य के आकार भी बनने लगे, जो टोने टोटके जैसे थे। साथ में नृत्य और प्रथाएं भी होती ताकि शिकार में सफलता मिले। सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम रहा झुंड या टुकड़ी बनाकर शिकार करना और साथ मिलकर बांटना। हर इंसान को पहले झुंड के बारे में सोचना होता था, फिर खुद के बारे में। झुंड या कबीला किसी खतरे में पड़ता तो हर एक को एकजुट होकर लड़ना होता। कोई शख्स झुंड के कामों में पीछे रहता तो उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता। के शिकारी अन्न बटोर आदिवासी लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं, मगर आदिकाल की बस्तियों की खुदाइयों से हमें एक ऐसे दौर का पता लगता है जब औजार पत्थर के थे। कुरचने, काटने, चीरने के पत्थर, तीरों के फल, कुल्हाड़ी और चाकू जैसे पत्थर, इनमें से कई औजारों पर लकड़ी बांधकर इस्तेमाल में लाया जाता होगा, जैसे तीर के फल। जो लोग ये औजार इस्तेमाल करते थे वो पूर्व पाषाण युग के कहलाते हैं, क्योंकि वो पाषाण यानी पत्थर के औजार और हथियार काम में लाते थे। पूर्व पाषाण युग खत्म होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया। बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगने लगे थे। इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नई थी, उन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते हैं। इस नस्ल की सबसे अहम दरियाफ्त थी खेती बाड़ी, जिससे इंसान को काफी आराम मिला और नई इजादों के लिए ज्यादा समय। मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए, जिनकी मदद से खाना पकाया जाता था। पत्थर के औजार पहले से उम्दा बनने लगे। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे। कपड़े की बुनाई शुरू हुई। इन लोगों ने अब झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना शुरू किया। खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे। बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई, जहां पानी और खाने की कमी न थी। जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ, ये अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी। लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला, व्यापार होने लगा, कला और दस्तकारी में उन्नति हुई। अफगानिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान में कोटडीजी और राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों में उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिलते हैं, जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रही थी। किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार, व्यापार प्रणाली, माल लाने ले जाने के आसान तरीके, आकार और नापतौल के नियम, माल की बिक्री के लिए चांदी, सोने, अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल, कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें। और इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये पुरानी भारतीय संस्कृति आज के भारत की तहजीब का आधार है। कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है। इस कभी न खत्म होने वाले जुलूस के साथ कभी कभी खुद को जोड़कर भी देखा
जिसके कि आखिरी सिरे पर मैं खुद जद्दोजहद कर रहा हूं, फिर अपने आप को इससे काट लेता हूं और ऐसे देखने की कोशिश करता हूं जैसे पहाड़ की चोटी से नीचे खाई को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का दारोमदार व्यापार से जुड़ा हुआ ही लगता है। ये एक शहरी तहजीब थी जहां का व्यापारी तबका काफी अमीर था और एक अहम किरदार भी निभाता था। सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, बिल्कुल आज के हिंदुस्तानी बाजारों की तरह। सिंधु घाटी तहजीब, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अपने सुनहरे दौर में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु नदी के मैदानों तक और कच्छ काठियावाड़ से लेकर घग्गर यमुना घाटी तक फैली हुई थी। सिंधु के मैदानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अधिकार था। लोथल काठियावाड़ की राजधानी थी, कालीबंगन पूर्वी प्रांत का मुख्य शहर था और डाबरकोट पश्चिमी प्रांत का। सिंधु सभ्यता का असर उसकी सीमाओं से बाहर पश्चिम और मध्य एशिया तक में महसूस किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता उस व्यापार का एक हिस्सा थी जो मेसोपोटामिया के निचले मैदानों से लेकर पारस की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान से सिंध होता हुआ भारत के भीतरी हिस्सों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता का प्रमुख जलमार्ग सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही थीं। नदी और समुद्री जलमार्ग पर होने वाले व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण गवाह हैं लोथल में स्थित गोदी और द्वारका में मिले पत्थर के लंगर और प्राचीन घाट। अकाद के राजा सरगोन के जमाने में लोथल और मोहनजोदड़ो से कीमती पत्थरों की मालाएं, मणि, मोती आदि, हाथी दांत और शंख वगैरह से बनी चीजें और शायद कपास की चीजें भी पश्चिम एशिया के शहरों को निर्यात की जाती थी। उस वक्त की मिट्टी की मोहरों और शिलालेखों के हिसाब से आज का मकरान तट मगन और भारत का पश्चिमी तट मेलुहा कहलाते थे। भारत से पाल वाली नावें अकाद की खाड़ी तक चलती थी। मेलुहा से आते जहाज, मगन से आते जहाज, दिलमन से आते जहाज, अकाद के बंदरगाह का सबने छू लिया किनारा है। इस तरह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने दौर की मुख्तलिफ तहजीबों से सुमेरिया, ईरान और मिस्र से आपसी व्यापार में जुड़े थे। लगता है सिंधु तहजीब के शहरों के कारीगर ज्यादातर विदेशी बाजारों के लिए ही सामान बनाते थे। सामान की खरीद फरोख्त के लिए किसी मुद्रा का इस्तेमाल होता था या नहीं, इसके बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है। मकानों से सटे हुए बड़े गोदामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये सौदागरों के मकान हैं। तादाद और मकान की बनावट से पता चलता है कि उस दौर का सौदागर तबका कितना ताकतवर और खुशहाल रहा होगा। इनके खंडहरों में सोने चांदी के जेवरात, कीमती पत्थर, पीते हुए तांबे के बर्तन, धातु के औजार और हथियार मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मंडियां थीं, जहां जगह जगह से आया माल साफ होकर छंटकर बांधा जाता था और फिर आगे भेजा जाता था। इन्हीं दोनों केंद्रों से कारवां दूर दक्षिण में कर्नाटक तक धातु और कच्चे माल की खोज में जाते थे। वहीं दूसरी ओर सीमा पार कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक जाते थे। जैसे आजकल की मंडियों में माल को बांध कर बाहर भेजा जाता है और पहचान के लिए उस पर निशान लगाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरें भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल होती होंगी। मोहरों पर बने ज्यादातर प्रतीक पशुओं के हैं। वजन ठीक है? हाँ, मैंने खुद परख कर देखा है। जल्दी ला, यहाँ ऊपर रख दे इसके ऊपर। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जा। और
मणिकों के बक्से कब तक पहुंचेंगे? वो भी रात से पहले पहुंच जाएंगे। क्यों, जल्दी किस बात की है? जहाज का सरदार कहता है कि उसका निकलना आजकल में होने वाला है। वो यहाँ आ रहा है सामान देखने। हाँ। संभाल के। हाँ। देखो शुल्गी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। देखो तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे सुमेरिया में हालात ठीक नहीं है। व्यापार नगर उर से बाबिलोन आ गया है, जो तुम्हारे उत्तर में नई राजधानी है। पता नहीं ये सारा माल तुम वहां बेच पाओगे भी या नहीं। बेहतर होगा चांदी में से मेरा भाग जाने से पहले तुम मुझे दे दो। मैं इस बार खुद क्यों जा रहा हूं? इसलिए ना कि हमें ज्यादा चांदी मिले। ठीक है, अगली बरसात तक तेरी चांदी भिजवा दूंगा। क्या पता उस समय तक मैं यहां रहूंगा भी कि नहीं। देखो तुम्हारी ओर हमारे माल की मांग नहीं रही, इसीलिए गांव से सामान आना भी कम हो गया है। ऊपर से अब ये बाहर वाले भी हमारे यहां घुसने लगे हैं। देखो द्राहा, उनको शायद तुम जैसे व्यापारी दे रहे हो। पता नहीं क्या क्या लेन देन करते हो उनके साथ। अब ये बातें तुम ना करो तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि नगर में लोग इसकी चर्चा करने लगे। और मैं तो तुमसे चांदी उधार मांगने वाला था। क्यों? ऐसे ही अपने निजी कारण है। मैं कहां से लाऊं उधार? कुछ हो वो देखो सरदार आ गए। ये मेरे साझीदार हैं द्राहा। देवदार के लट्ठे लद गए? हाँ, सब सामान लग चुका है, बस आपका सामान बाकी है। सुना है बाहर के लोग नगर में उधम मचाने लगे। बस सब यही कह रहे हैं। अगर उन्होंने शहर पे कब्जा कर लिया तो आपका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? वापस गांव चले जाएंगे और क्या। मेरी पत्नी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, वही जो देवदार का व्यापार करते हैं। लेकिन गांव भी तो बर्बाद हो सकते हैं। मगर वहां रखा ही क्या है, वहीं से सब कुछ तो नगर में आता है। गांव और खेत नष्ट करके वो लोग खो देंगे क्या? खेती बाड़ी तक तो ढंग से आती नहीं उन्हें। गांव जिंदा रहेंगे इसमें कोई शक नहीं है। मालिक, चुंगी निरीक्षक आ गए, आपको बुलवा भेजा है। क्यों, चुंगी तो हमने चुका दी है। सारा नहीं हो पाया, मैं सोच रहा था कुछ भाग तुम दे दोगे। मैं क्यों देता, तुम हमेशा देते हो, आपस में हमने यही तय किया है। भाई कहाना मंदा चल रहा है, अगर मेरी चांदी में से कुछ भाग मुझे दे देते पेशगी तो मैं। नहीं नहीं नहीं, चांदी मुझे खुद दरकार है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा चलो, पहले चुंगी निरीक्षक से बात तो कर ले। आओ मुझे चुंगी अदा करने में कुछ समय लगेगा, आप कुछ कर सकते हैं? मैं एक सिंगे की मोहर लगाना बंद कर सकता हूँ। ये मजाक नहीं, हमें चुंगी जुगाड़ने में इस समय बड़ी देर हो रही है। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, चुंगी नहीं तो मोहर नहीं, आप लोगों का माल बाहर नहीं जा सकता। हमें कल तक का समय दे दीजिए। मोहर कल भी लग सकती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब क्या होगा? देख लिया, कल तक मुझे चांदी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सामान बाहर नहीं जा सकता। एक उपाय है यदि आप मान लें। क्या? जहाज तैयार है, आज रात को ही आपका माल लाद देंगे। बिना मोहर के? बिना मोहर के, और रात को ही चल पड़ेंगे, वो मैं देख लूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। और क्या, अब यहाँ रुकना नहीं, आपका क्या जाता है? अब यहाँ कुछ रुकने से फायदा नहीं है, इसमें खतरा है बहुत। ये तो चले जाएंगे लेकिन मैं तो यही हूँ। अब सोचने का समय नहीं है, मुझे अपने लोगों को चौकस भी करना है। सिंधु सभ्यता व्यापार पर निर्भर थी, मगर व्यापारी मुनाफा कहाँ से कमाता? वो कौन सा बल था जिसने उस स्पष्ट वर्ग विभाजन को बनाए रखा जो व्यापार के पनपने के लिए जरूरी था? आम जनता पर व्यवस्था के नियंत्रण का अंदाजा मंदिर और पुजारी वर्ग की शक्ति से लगाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त की विशाल देव प्रतिमाएं तो नहीं मिलती, फिर भी हमारे यहाँ टीलों पर मेसोपोटामिया के जिगरात मंदिर जैसी इमारतें हैं। पुष्कर के पास रहने वाली देवी दासियों के साथ यात्रियों का सहवास देवी पूजा का एक संस्कार था, जो आज भी दक्षिण में देवदासी परंपरा के रूप में मौजूद है। खंडरों में बड़ी संख्या में मिलने वाली मूर्तियां आज भी भारत के कई हिस्सों में पूजी जाने वाली मूर्तियों से मिलती जुलती हैं।
सिंधु घाटी में विशाल मूर्तियों और देव प्रतिमाओं के न मिलने की वजह हो सकती है जीवित देवियों की पूजा, जो अब भी नेपाल में होती है। कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रधानता ही सिंधु घाटी सभ्यता को 500 साल तक जीवित रख सकी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कौन थे और आए कहां से, ये हम अब तक नहीं जानते। मुमकिन है कि ये देसी तहजीब ही थी और इसकी जड़ें और शाखें दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। मंदिर, देवी पूजा और मूर्तियों की आराधना पुराने वैदिक धर्म में नहीं पाए जाते और संभव है कि ये सब अवैदिक जन प्रथाओं की देखा देखी बाद के हिंदू धर्म में अपनाए गए। आखिर क्या हुआ सिंधु घाटी तहजीब को, यह कैसे खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि इस तहजीब का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ या फिर आबो हवा का बदलाव जिसकी वजह से चारों ओर रेगिस्तान फैल गया। देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा, जबकि यह तहजीब सिंधु से गंगा तक फैली थी। शायद इस सभ्यता के अंत का कारण इसके व्यापार का पतन होगा। एक और मत यह है कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा नदियों पर बनाए सारे बांध तोड़कर उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया। क्या बात, आप लोग बांध के तोड़ रहे हैं? तुम लोगों ने सारा पानी यहाँ रोक रखा है और उधर हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं। बिना हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं तो हम क्या करें? इस पानी के बिना हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। हम तुम्हारी फसलों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये पानी हमारे मवेशियों के लिए ही जाएगा। चलो बांध तोड़ो। वेदों में जगह जगह जिक्र आता है कि इंद्र ने उन जल धाराओं को मुक्त करवाया जिन्हें असुरों ने बांध रखा था। राक्षस उबड़ खाबड़ जमीन पर काले सर्प सा लेटा था जब इंद्र ने अपने अंग भंग करने वाले शस्त्र से उस पर प्रहार किया। तब नदियों का प्रवाह रुक गया, धरती डोलने लगी, बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर रथ के पहियों से लुढ़कने लगे और बंधी हुई समस्त जलधाराएं छूटकर दैत्य के लेटे हुए शरीर पर बहने लगी। जब ये सब बिक जाएगा तो चला जाऊंगा। क्या कहा? ये अपना सामान कहीं और जाकर बेचो, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहां से भगा दिया जाए तुम यहां से चले जाओ। कौन मुझे धक्का मारेगा? तू? अच्छा तो आजा, देखता हूं कैसे मुझे धक्का मारकर भगाता है तू। अरे तू मुझे धमकी देता है, मैं तेरे को बोलता हूं तू यहां से चला जा। हट, तुम अपना ये सारा सामान यहां नहीं बेच सकते। इस आदमी को शहर में आने किसने दिया? चल मुझसे दूर रहो, नहीं तो मार डालूंगा सबको मैं। पुराई जी, आप इन्हें समझाइए। हाँ, तो इस नगर को छोड़कर चला जा। ये लड़ाई झगड़ा या अभद्रता हम नहीं चाहते, समझ रहे ना तू? इससे पहले कि तुझे चोट पहुंचे चला जा यहां से। तू मुझे छू भी नहीं सकता चिकनी चमड़ी वाले पुरोहित, मैं तेरी एक एक हड्डियां तोड़ दूंगा। तुझे चेतावनी दे दी गई है कि तू इस नगर को छोड़कर चला जा। हम शांतिप्रिय लोग हैं, तेरी इस उद्दंडता की हमें कोई जरूरत नहीं। जा, कहीं और जाकर अपना काम कर। चाहता हो
परंतु याद रखना, क्यों भाई क्या हुआ? उन नीच विदेशियों में से एक शहर में घुस आया था, अपना माल बेचने की कोशिश कर रहा था, हमें उसे भगाना पड़ा। कोई मारपीट तो नहीं हुई? अरे उन जानवरों से कौन मारपीट करेगा, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मगर तुम्हारे आदमी भी तो उनके पड़ाव में जाकर उनके साथ व्यापार करते, तब क्या ही ठीक है? आप सुमेरिया के हैं ना? हाँ। तब आप हमारी समस्या को नहीं समझ सकते। आज शाम के उत्सव में कोई गड़बड़ी ना हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुमेरिया, मगर क्यों? तुम जानते हो मैं नहीं आ सकती, पुजारी जी मुझे जाने की कभी अनुमति नहीं देंगे। मैं मंदिर के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे शादी करने की आज्ञा नहीं है। मगर तुम्हें यहाँ शादी करने को कौन कहे? अगर तुम्हें यहाँ शादी करने को कौन कहता है? तुम मेरे साथ दिल मन चलो, हम वहाँ शादी कर लेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। वो मुझे कभी अनुमति नहीं देंगे। तुम मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं? तो हम एक तरीका निकालते हैं, तुम आज रात मुझे मंदिर के पास मिलना और किसी को मत आना देना। पर यह संभव नहीं है। कोई उपाय सोचना, समझी? कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आऊंगा। अभी मैं जाता हूं, पुजारी जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। नगरवासियों, मैं और मेरे ये मित्र दिलमन से आए हैं। इस समारोह के धार्मिक महत्व को देखते हुए हम इस पवित्र नगर के संस्कारी नागरिकों को अपनी धरती की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने की इच्छा रखते हैं। यह हमारे देश के महान नायक गिलगमेश और उसके अमृत के खोज की कथा है। Hey!
तो हो ना, जो कुछ हुआ मैंने सुना वो बड़ी दिल दुखाने वाली घटना थी। शुल्गी शुल्गी मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, ये कोई बड़ा हादसा नहीं है। बड़ा हादसा नहीं है? अब तक आर्यों ने छिटपुट खेत और बांध ही नष्ट किए थे, पर आज जब उनकी बस्ती में मैं व्यापार करने गया तो उन लोगों ने मेरा सारा सामान ही लूट लिया। नहीं नहीं शुल्गी, मुझे तो आर्यों का ये रवैया बहुत खतरनाक रूप ले लेगा ऐसा लगता है। अच्छा, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। सुनो, लेकिन बाद में तुम मेरे घर जरूर आना। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। अत्री? हाँ, वो कह रही थी कि पुजारी उसे मेरे साथ जाने की इजाजत नहीं देंगे। कैसे देंगे, वो लोग हमेशा निगरानी में रखते हैं उसे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। गिलगमेश, आज मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा अनु को, याको और एनलिल को, स्वर्गिक समाज को आपस में सहा करते देखा है। अनु को एनलिल से कहते सुना है, इन दोनों ने स्वर्ग वृषभ को नष्ट कर दिया, हुम बाबा को मार गिराया, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। एनलिल को कहते सुना, इन कडू को मरना होगा। नहीं मरेगा गिलगमेश, इन कडू को मरना होगा। बंधु, प्यारे बंधु, वो मुझे मार डालेंगे। क्या मृत्यु लोक के दरवाजे जाना होगा, मरकर हाजिर होना होगा प्राण रूप में? क्या अपने प्यारे भाई को अपनी आंखों से देखना कभी नसीब ना होगा? बंधु, बिल्कुल क्या हुआ, ये नींद कैसी आज तुम पर उतर आई है? क्या हुआ जो रात के अंधियार से तुम घिर गए हो? मैं बुलाता हूं मगर तुम मौन होकर के पड़े हो। इंटरेस्टा हूंगा मैं जब मरूंगा, फंस गया हूं किस मुसीबत में, घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में, मौत से डरकर खोजता हूं वो लोग जिसमें रहा करते अमर। गिलगमेश, क्या तुम ही हो गिलगमेश? वही गिलगमेश जिसने पर्वत के सिंहों को मारा, जिसने दानव होम बाबा को मौत के घाट उतारा, वही हो ना जिसने स्वर्ग वृषभ को सुलाया? अगर वही हो तो किस वजह पड़ गया वो पीला, किस कारण से इसके गाल शोक हृदय में चेहरे पर भी लिखा हुआ है, जैसे कोई बटुही जाने कितनी धरती लांग यहाँ आया है। मित्र मेरा, जिस पर उड़ेला प्यार, मानवों की जाति जैसी नियति का हो गया एकदम शिकार। सात रातें सात दिन आंसू बहाए, सड़ गया था बदन, कीड़े रेंगा किए, घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में, मौत से डरकर चुप रहूं कैसे, क्या सोचकर, जबकि मित्र मेरा प्यारा मिट गया धूल में मिलकर। क्या मुझे भी लेटना होगा ऐसे ही, फिर कभी उठना ना होगा? सिद्धूरी, मुझको बताओ, है कहां वो लोग जिसमें रहा करते अमर? कौन सी है राह उसकी और कौन सी उसकी निशानी? गिलगमेश, वो देखो मल्ला उर्ष नाभि ले जाता वो अमर लोग को, पूछो उससे। उर्ष नाभि, कौन सी है राह जो अमर लोग जाती है? अगर वो सज्जनोचित लांग कर सागर पकड़ लूंगा, यदि नहीं तो मरुभूमि को मैं पार कर लूंगा। तैर कर चल कर कहां तू जाएगा, जिंदगी जो ढूंढता है नहीं पाएगा। देवताओं ने मनुष्य को जब बनाया, मौत को उसके लिए था तब रचाया, हाथ में रखा उन्होंने जिंदगी को। गिलगमेश, उन्हें भी चाहिए कुछ पेट को, खुश रहो हो रात चाहे दिन, मनाओ मौज तुम हर घड़ी छिन, गीत गाओ झूम कर नाचो सभी कुछ भूलकर, वस्त्र पहनो नए कोरे जगमगाते प्रीति कर,
चल रहा उंगली पकड़कर उसकी तरफ भी ध्यान दो। वो तुम्हारा शिशु, तुम्हारा अंश, उसको मान दो। सहचरी पत्नी तुम्हारी, बाह का बंधन उसे दो। सिर टिका, निश्चिंत हो ले, वक्ष का आधार दो। तुम मनुज हो, मनुज का जीवन जियो, है यही कर्तव्य, इसको समझ कर पागल हो गए हो क्या? जानते हो ये तुमने क्या किया? मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। भगदड़ में मैंने मौका देखा और इसे भगा लाया। अब अत्री को तुम्हें अपने पास छिपा कर रखना है। तो ये अत्री है शुल्की, तुम्हारा पागलपन अब मायने रखता है। डरो नहीं, तुम यहाँ हिफाजत से हो। अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे कभी नहीं आना चाहिए था। फिक्र मत करो, कोई भी तुम्हें यहाँ खोजने नहीं आएगा। वो लोग समझेंगे कि तुम्हें लुटेरे यहाँ से लेकर गए हैं, समझी? अब क्या करना है? अब इसे किसी तरह यहाँ से निकालकर जहाज तक पहुँचाना होगा। इसका मतलब है तुम्हें दिलमन वापस लौटना होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। डूबती नैया छोड़कर भाग रहे हो? बकवास, सब ठीक हो जाएगा। शुल्की, आज रात जो हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो? वो लुटेरे इस हद तक कभी नहीं बढ़े थे। मुझे तो लगता है वो हमारी बचाव की ताकत का इम्तिहान ले रहे थे। असली हमला तो आगे होगा। देखो द्राहा, मैं अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी ओर से हर चीज अनिश्चित होती जा रही है। द्राहा, हमारे पास भेजने के लिए पूरा माल तैयार है। मैं दिलमन में जाकर खुद उसे बेचूंगा और तय मानो हमें उससे बहुत मुनाफा होगा। और अगले मौसम में जहाज की पहली खेप से तुम्हारी चांदी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अत्री को एक हफ्ते के लिए तुम यहाँ छोड़कर चले जाओ? नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हमें जल्द से जल्द जाना है, नहीं तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। अच्छा, उस सुमेरे कप्तान के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हें लगता है इस बारे में वो तुम्हारी मदद करेगा? उसका जहाज भी निकलने के लिए तैयार है। अगर वो चाहे तो तुम दोनों को साथ में ले जा सकता है। तुम एक काम करो, कल सुबह ही तुम अत्री को साथ लेकर उस जहाज पर छिप जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन एक सिंगा मोहर का क्या होगा? वे तुम्हारे ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ उस जहाज के कप्तान को संभालो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, मगर लुटेरे आए तो तुम कहां जाओगे? अपने गांव चला जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें तो हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। द्राहा, हम दोपहर तक माल का इंतजार करेंगे। अगर लड़ाई नहीं हुई तो हम चल देंगे, ठीक है? ठीक है, ये लो। अत्री का ध्यान रखना, जहाज छूटने तक किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ द्राहा, चलो जल्दी करो। ये सभ्यता अचानक नहीं मर गई जैसा कि पहले माना जाता था। उसे अपने स्वरूप में परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा। 1600 से 1900 ईसा पूर्व का ये परिवर्तित रूप वाला दौर उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आर्यों का फैलाव हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है, उन्होंने पुरानी सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकारा और उसके कई पहलू अपना लिए। ये महज एक इत्तफाक था कि मोइंजो दड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई।
इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में पुराने शहर और प्राचीन आलार अभी तक जमींदोज हैं। इस सिंधु घाटी तहजीब और आज के हिंदुस्तान के बीच कई जगह सिलसिला टूट गया है। उन टूटी कड़ियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, फिर भी एक मुसलसल रिश्ता बनता चला आ रहा है वक्त के साथ साथ लगातार, जो आज के हिंदुस्तान को 6-7 हजार साल पुराने माजी से जोड़ता है, जबकि सिंधु घाटी तहजीब का आगाज हुआ होगा। हमें वाकई हैरत होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे वेशभूषा और दस्तकारी, जिनमें हमें आज की रिवायतों और रहन सहन की झलक मिलती है। सारम्या नगरी महान राजा, सामंत जन वे कहां, विद्वत राज सभा कहां मद भरी, चंद्राननाए कहां, चारण कीरण गान तान गर्वी, युवराज है अब कहां, डूबे सब अब रह गई है यादे, कालाय तस्मै नमः। समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत्, सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा।